दोस्तों नमस्कार, ऑप्टिमम वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपने कार की माइलेज बढ़ा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान उपायों के द्वारा। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं आप कैसे अपने कार की माइलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। सडनली गाड़ी की स्पीड ना बढ़ाएं, बल्कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं और कोशिश ये करें कि गाड़ी को अचानक से ब्रेक ना लगे। दोस्तों गाड़ी रोकने के लिए पहले आप एक्सीलेटर को कम करें, उसके बाद आप ब्रेक धीरे धीरे दबाकर गाड़ी को आराम से रोकें। हाँ, इमरजेंसी में ये बात लागू नहीं होती, आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाना ही पड़ता है। और दोस्तों गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखें। अगर आप गाड़ी को चौथे गियर में चला रहे हैं तो स्पीड 40 के आसपास होनी चाहिए, और दोस्तों अगर पांचवें गियर में चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी 60 के ऊपर की स्पीड में होनी चाहिए। दोस्तों इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी। गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर करवाएं, एयर फिल्टर भी टाइम पर बदलवाते रहें। दोस्तों पेट्रोल इंजन में 4,500 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करवाते रहें, CNG में 8,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराते रहें। गाड़ी की खुद भी चेकिंग करते रहें कि सर्विसिंग के बीच में अगर आपकी गाड़ी से कोई आवाज़ आ रही है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। और दोस्तों टायरों में हवा का दबाव सही रखें और समय समय पर हवा की चेकिंग करवाते रहें, इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ता है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम हैंड ब्रेक को डाउन करना भूल जाते हैं या फिर ठीक से डाउन नहीं कर पाते, इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज में बहुत असर पड़ता है। दोस्तों अगली बात, अगर आप क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं तो इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी और क्लच ब्लेड भी जल्दी ख़राब हो सकती है। गाड़ी की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, धूल मिट्टी आदि मड गार्ड में जम जाती है तो इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी मेरे वीडियोज़ आपको